नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। इस वीडियो में मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत प्रश्न पत्र को, जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था, हल करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी तृतीय सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। पहला है लट लकार। दोस्तों, जो लट लकार होता है वह वर्तमान काल के लिए यूज होता है। दूसरा दिया गया था लोट लकार। लोट लकार जो है वह आज्ञा सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा था लिट लकार, जो कि भविष्यत काल के लिए यूज किया जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया था लंग लकार। लंग लकार जो होता है वह भूतकाल के लिए यूज होता है। आपसे प्रश्न में भविष्यत काल पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, लिट लकार। दूसरा प्रश्न था, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार उपर्युक्त लिखा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या तीन था, संख्यावाची शब्द षष्टवती ही अंक का वाचक है। ऑप्शन नंबर बी 96 यानी कि 96 इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कर्ता का इष्टतम कारक है। दोस्तों, इष्टतम कारक मतलब कर्ता के बाद से कौन सा कारक आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से इस तरीके से जो होता है, तो कर्ता के बाद आपका कर्म आता है, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर डी कर्म सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, अकह सवर्ण दीर्घा सूत्र है। दोस्तों, यहां सूत्र में भी दीर्घ लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आप सूत्र को अगर थोड़ा सा विच्छेद करेंगे तो आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। सवर्ण, सौ मतलब होता है कि समान, और वर्ण मतलब कि जब दो समान वर्ण मिल करके दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो सूत्र से भी का क्लियर हो रहा है, और सूत्र में दीर्घ लिखा हुआ है, इसलिए पांचवे का ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि सही उत्तर होगा। दोस्तों, अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। छठा प्रश्न पूछा गया था, प्रारब्ध मुत्तम जनाः न परिव्यजन्ति श्लोकांश का अर्थ हिंदी में लिखिए। दोस्तों, ये आपको मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं कि जो श्लोक या फिर श्लोकांश आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है या फिर जरूरी नहीं है कि आपके पुस्तक से ही पूछा जाए। तो सबसे पहले आपको ये सभी जो श्लोक दिया हो या फिर उसका जो अंश दिया हो, उसको आप लोग तोड़ करके उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। जैसे इसी को मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, तो आप देखिए, प्रारब्ध मुत्तम लिखा गया है, यानी कि प्रारब्ध, अगर मुत्तम को हम लोग प्रारब्ध कर दें तो उत्तम होता है, ठीक है, उत्तम। और जना मीन्स होता है लोग, यानी कि उत्तम लोग की बात की जा रही है। न मीन्स होता है नहीं, और परिव्यजन्ति, परिव्यय मीन्स छोड़ देना या फिर परित्याग कर देना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि जो उत्तम लोग होते हैं वह नहीं छोड़ते हैं या फिर परित्याग नहीं करते हैं। अब अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपका इसका सही उत्तर भी आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा, यानी इस श्लोक का अर्थ होगा, उत्तम मनुष्य ऐसे धैर्यवान होते हैं जो बार बार विपत्तियों के घेर लेने पर भी अपने हाथ में लिए गए काम को किए बगैर कदापि नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग शब्दों को थोड़ा थोड़ा तोड़ करके उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। सातवां प्रश्न पूछा गया था, युष्मद् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। प्रश्न में आपसे युष्मद् के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में पूछा गया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे युष्मद् का रूप। आपको उत्तर देना था त्वम, युवाम और युवम। प्रथमा विभक्ति में आप पहली लाइन आप देख सकते हैं, त्वम, युवाम और युयम इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न में आपको शब्दों से जो विधायक सूत्र होता है उसको पकड़ना होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, अपादान आदि से अविक्षित कारक ही कर्म संज्ञा होती है। आपसे कर्म संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है। आगे आप देखिए, दुह याच पच दंड रुद पच्छ, इसी तरीके से 12 धातु जो होते हैं उनका जो कर्म के साथ जिसका संबंध होता है यही अकथित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर याच शब्द की बात की जा रही है, और आपके प्रश्न में भी बलिम याचते वसुधाम बोला गया है, यानी कि याच धातु से याचते बना हुआ है। इस वजह से इसमें जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र होगा वह अकथितम च होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका सही उत्तर होगा अकथितम च।
प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। दोस्तों श्याम का श्यामा हो जाएगा, बुद्धिमान को प्राज्ञम बोलते हैं संस्कृत में, लड़का का बालकम हो जाएगा और है का अस्ति। इस प्रकार से आपका पूरा अनुवाद हो जाएगा, श्यामा प्राज्ञम बालकम अस्ति। 10वां प्रश्न पूछा गया था, पितरो शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखो। दोस्तों पितरो जो शब्द होता है उसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो पितरो एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है माता पिता, यानी कि माता और पिता, और को संस्कृत में च नाम से लिखते हैं। तो इसका जो समास विग्रह होगा वह माता च पिता च, यानी कि माता और पिता। ठीक है, अब देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर माता और पिता दोनों पद प्रधान है, इस वजह से यहाँ पर द्वंद्व समास होगा और इसका समास विग्रह जो होगा वह माता च पिता च होगा। बात करते हैं 11वें प्रश्न की, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू बजाने पर जो 14 सूत्र दिए थे उसको माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इन माहेश्वर सूत्रों में से संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को ही प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ अक आपसे बोला जा रहा है, तो आप देखिए पहला सूत्र जो लिखा हुआ है अ ई उ अड़, और इसी तरीके से आप दूसरा सूत्र देखिए रि रि क, तो यानी कि अ और क के बीच में जितने वर्ण हैं ये हम दोनों सूत्र ना लिख करके सिर्फ अगर अक लिख दें तो इसके बीच में जितने वर्ण आते हैं उन सभी को मान लिया जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 3, 7 वर्णों को हम संक्षिप्त रूप में सिर्फ अक के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं अ और ल, आप पहला सूत्र दिखीजिए अ और अंतिम सूत्र देखिए 14वां, उसमें ल लिखा गया। यानी कि अगर मैं कहूँ अल प्रत्याहार, तो यानी कि एक सूत्र से लेकर के 14 सूत्र तक जितने भी वर्ण हैं उन सबको मान लिया जाएगा। तो प्रत्याहार का मतलब यही होता है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन सभी वर्णों को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को ही प्रत्याहार कहते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। जैसे देखिए आपसे प्रश्न में पूछा गया था अक प्रत्याहार, ठीक है, तो जो भी हलंत वाले वर्ण होंगे उसको हम लोग नहीं लेते हैं। हलंत मतलब उसमें बिना स्वर के साथ उसका उच्चारण किया जा रहा है, यानी उसे व्यंजन के रूप में उच्चारण किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस व्यंजन का उच्चारण स्वर रहित करते हैं उसके नीचे हलंत लगाते हैं। तो प्रत्याहार जब भी आप बनाएंगे तो आप हलंत वाले वर्ण को नहीं लिखेंगे। जैसे आपसे प्रश्न में अक पूछा था, तो पहले वाले सूत्र का अ से आप शुरू करेंगे और ई उ, और आगे देखिए अड़ा में नीचे हलंत लगा है तो आप अड़ा नहीं लेंगे, और आगे फिर बढ़े री और ली तक आप लेंगे, और अंतिम जो पूछा रहेगा प्रत्याहार का जैसे अक में, तो अंतिम वाला जो वर्ण रहेगा उसको भी हम नहीं लेते हैं। तो आपका अक प्रत्याहार में पूछा था तो इसके वर्ण हो जाएंगे अ ई उ री ली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लघुतरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। दोस्तों संस्कृत शिक्षण के लिए हम उच्चारण अभ्यास का सहायता ले सकते हैं, जैसे कि उच्चारण के माध्यम से संस्कृत के कठिन शब्दों को बच्चों को सिखाया जाता है। इसके साथ ही साथ अनुकरण वाचन करके, यानी कि शिक्षक पहले तर्कसंगत और सभी व्याकरण सहित उसका सस्वर वाचन करेगा और उसी का अनुकरण वाचन बच्चे करेंगे। इसके साथ ही साथ सामूहिक कार्य के माध्यम से भी संस्कृत की शिक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा खेल विधि के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कि हम बच्चों को संस्कृत में ही बात करने की अनिवार्यता कर दें। इसके अलावा जैसे कि विभिन्न प्रकार की कार्य विधि होती है उसके साथ भी संस्कृत का शिक्षण किया जा सकता है। ये सभी 5-6 पॉइंट आप हेडिंग के रूप में एक एक दो दो लाइन लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, सस्वर पठन के उद्देश्य बताइए। दोस्तों सस्वर वाचन उसे बोलते हैं जब हम बोलते हुए किसी पाठ को पढ़ते हैं। तो सस्वर वाचन से लाभ या फिर उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि इससे उच्चारण का अभ्यास छात्रों को कराया जा सकता है, साथ ही साथ इससे जो त्रुटि होती है बोलने संबंधी वो भी दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि संस्कृत एक
बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है जिसके माध्यम से जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। यानी कि एक तरीके से सस्वर वाचन करने से इसमें लिखने संबंधी त्रुटियों को भी छात्रों से दूर किया जा सकता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखने थे। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न शब्दों के नाम संस्कृत में लिखो। पहला था परवल, परवल को पटोला बोलते हैं, हाथी को हस्ती या फिर कुंजरा बोलते हैं, मिर्च को मरिचम, हंस का मरालह, बैल का वृषभ, कबूतर का कपोतह, केला का कदली फलम और लाल का रक्तह हो जाएगा। बात करते हैं 15वें प्रश्न की, 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखो। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या फिर एकोनविंशति और 20 को विंशति बोलते हैं। दोस्तों, आप सभी संख्याओं को का संस्कृत में नाम विशेष रूप से याद कर लें, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र में आप लोगों ने देख लिया कि एक ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर का आपका लिखने वाले में आया था लघु उत्तरीय प्रश्नों में। यानी कि 3 नंबर अगर आप सभी संख्याओं को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। दोस्तों, फिर से 16वें प्रश्न में श्लोक का अर्थ आपसे पूछा गया था। श्लोक दिया गया था, तेजो असि तेजी मई देहि, वीर्य मसी वीर्य मही देहि, बल मसी बलम मई देहि, ओजो असि ओजो मही देहि। दोस्तों, अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी पता है तो थोड़े थोड़े शब्दों में आप तोड़ करके इसका अर्थ निकाल सकते थे। जैसे कि तेजो असि मतलब तेज की बात की जा रही है, मई मतलब मुझे और तेज मतलब तेज, यानी कि मुझे तेज देने की बात की जा रही है, किससे, जिसमें तेज हो। इसी प्रकार से अगले नीचे लाइन में आप देखेंगे वीर्य मसी मतलब जो वीरवान है उसे वीर मांगी जा रही है, यानी कि वीर जो है वह मुझे वीर दे। अगला था बल मसी यानी कि जो बलवान है वह मुझे बल दे। दोस्तों, इसी तरीके से आप तोड़ तोड़ कर भी अर्थ लिख देंगे तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको 1 नंबर अवश्य मिल जाएगा। अब चलिए इसका सटीक आंसर क्या होगा जान लेते हैं। तो होगा इसका उत्तर, हे परमेश्वर तू तेज स्वरूप है मुझे तेज दे, तू वीर्यवान है मुझे पराक्रम दे, तू बलवान है मुझे बल दे, तू ओजस्वी है मुझे भी ओजस्वी बना, तू दुष्टों का भस्म करता है मुझे भी वह शक्ति दे, साथ ही तू सहनशील है मुझे भी सहनशील बना। ये दोस्तों इसका सटीक उत्तर होगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था, पट धातु का लट लकार का रूप लिखो। दोस्तों, लट लकार मीन्स वर्तमान काल की बात की जा रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे लट लकार वर्तमान काल, पठती पठता पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावह पठामा। बात कर लेते हैं अंतिम 18वें प्रश्न की, संस्कृत में अनुवाद करो। आपको 4 वाक्य दिए गए थे हिंदी में जिसका संस्कृत में अनुवाद करना था। पहला, छात्र चला गया, ये पास्ट टेंस में है यानी कि भूतकाल में। भूतकाल में जो धातु रूप होता है उसमें अ से प्रारंभ होता है, जैसे कि छात्र चला गया, जाने का क्या होता है गच्छ। गच्छ धातु का अगर हम लोग भूतकाल में करें तो आगच्छत होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छात्र आगच्छत, छात्र चला गया का छात्र आगच्छत। आगच्छत क्यों हुआ, क्योंकि ये भूतकाल में था, ठीक है। दूसरा था, यह घर सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर घर की बात की जा रही है, घर एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ पर यह का जो अनुवाद होगा संस्कृत में वह इदम होगा। घर का गृहम होता है, सुंदर का सुंदरम और है का अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा इदम गृहम सुंदरम अस्ति। तीसरा था, मैं चित्र को देखता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं का जो होगा अहम होगा, चित्र का चित्रम और देखने का जो होता है पश्य होता है धातु जो होता है, और इस यहाँ पर देखता हूँ तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह अहम चित्रम पश्यामि। चौथा पूछा गया था, गुरु को नमस्कार है। यहाँ पर आप देखिए चतुर्थी विभक्ति होने की वजह से गुरु का गुरुवे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसका जो कारक चिन्ह होता है वह के लिए होता है, यानी कि गुरु के लिए नमस्कार। चतुर्थी विभक्ति गुरु का गुरुवे हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुरुवे नमः। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से वर्ष 2019 का भी संस्कृत का प्रश्न पत्र मैंने हल करके वीडियो अपलोड किया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।